श्रीनगर में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के सिलसिले में एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। ये नुमाइश शहर खास के नवहट्टा में मुनक्कद हुई, जिसका एहतमाम गयूर आर्ट फाउंडेशन और रियासत के महकमा सयाहत ने मुश्तरका तौर पर किया था। नुमाइश में रियासत के मुख्तलिफ तस्वीर निगारों की बेहतरीन और चुनिंदा तस्वीरों को पेश किया गया। इस मौका पर कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती व तारीखी मकामात, सकाफत, तहजीब व तमदन जैसे मुख्तलिफ अनावीन पर मुश्तमिल बेहतरीन तस्वीरों की नुमाइश की गयी। KPS से बात करते हुए गयूर आर्ट फाउंडेशन के एक रुकन नौशाद गयूर ने कहा कि इस नुमाइश का मकसद फोटोग्राफी के फन को आगे बढ़ाना है और कैमरे की आंख में कैद बेहतरीन तस्वीरों को मंजर आम पर लाना है, ताकि इस फन से वाबस्ता अफराद के हौसले मजीद बुलंद हो सके। हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन जिसका हमने उन्वान रखा है फ्रेम्स। ये फ्रेम्स एक कंटिन्यूटी जर्नी है जिसका ये चौथा या पाँचवा एडिशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये एडिशन इस हिसाब से ज़्यादा वैल्यू रखता है कि क्योंकि इसमें हमने ये जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे था उस दिन, ये काफ़ी दिनों से मेरे दिल में एक ख्याल था कि हम इस दिन को मनाएं और लोगों को बोले हाँ जी हमें भी इस दिन के बारे में पता थी, क्योंकि पूरी दुनिया में इस दिन फोटोग्राफी से रिलेटेड वर्कशॉप्स, एग्जीबिशन बहुत सारी ये होती हैं। तो इसमें हमारा गयूर आर्ट फाउंडेशन और हमने टूरिज़्म की वजारत से ये प्रोग्राम किया है, और इस सिलसिले में ये एक इम्पॉर्टेंस इसकी और ये भी है कि इस एडिशन में काफ़ी कश्मीर से काफ़ी जो इलाके हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जैसे पुलवामा है, इस्लामाबाद है, कुपवाड़ा, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक एंट्री मिली थी। तो ये एक बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आप एक दूसरे के उन्होंने काम देखे, शेयर किए, आइडिया शेयर किए, तो काफ़ी फ़ायदा उनको हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर महकमा सयाहत महमूद अहमद शाह भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एक प्लेटफॉर्म है उन तमाम फोटोग्राफर्स के लिए जो अपने फन का बाकायदा आगाज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश का मकसद भी यही है कि यहाँ के फोटोग्राफर्स को मौका मिले कि वो अपनी खींची हुई तस्वीरों को मंजर आम पर लाकर अपने फन का भरपूर मुजाहरा कर सकें। दिस प्लेस हैज रिमेंड इन अ नेगेटिव मैनर फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। It has been say around 2 months back we started a calligraphy exhibition here, and now we have shifted on to photography. We don't want to keep this place monotonous. We want to display different arts here. So we started with calligraphy and now we are with the photography. In coming days, what the aim of the these kind of exhibition is to give platform to the talent. We have plenty of talent here, but that talent is suffocated. To provide a platform and to polish the talent, they need space, they need an outlet. So we have, by virtue of this space, given a platform, given a vent to the talent that we have. And we want young boys and girls to come and express themselves. And this is how they express themselves by virtue of art, by different manifestations. And art is one of the manifestations by virtue of which the younger generation of Kashmir expresses itself. The role of the department is in the manner of hand holding and in nurturing the talent that we have. Maybe tourism department will also like to purchase some of the frames. That will be an added incentive to the boys and girls who want to pursue their career. At times, purchasing a frame may be a very small gesture, but to encourage a talent, it plays a much bigger role. So the department has always remained on the forefront of the promotion. In fact, some days back we also had a creative writing workshop also here. So that also gave a platform to the young boys and girls to express themselves. So these are the various manifestations by virtue of which we try to encourage local budding talent. Kashmir Press Service, Srinagar. News is brought to you by Hotel CS2, where quality rules.
contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 01942468500-2468501. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.